फैसल, बाबा मान जाएंगे ना? बाबा को मना लेंगे। इस फिल्म में मेरा जो किरदार का नाम है वो है रजिया, और जैसा कि आपने देखा रजिया अपने घर से भाग गई है। उसको घर से भागने का बहुत शौक था कि उनके साथ, तो वो भाग गई। एंड रजिया इज़ अ वेरी इम्पल्सिव, वेरी लविंग, वेरी प्रोटेक्टेड चाइल्ड, और इट्स अ फैमिली फिल्म। इट्स गोना बी अ रोलर कोस्टर राइड ऑफ लाफ्टर फॉर ऑल ऑफ यू पीपल। मुझे पता है, मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म फैमिलीज को पसंद आएगी। ये फिल्म किसी भी एज ग्रुप की नहीं है, ये फिल्म सब एज ग्रुप की है। ये बच्चे भी देख सकते हैं, यंगस्टर्स भी देख सकते हैं, हमारे यूथ भी देख सकती है, हमारे बड़े अम्मी अबू भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स इस तरह के हैं, दादी दादा भी देख सकते हैं, जो रिलेटेबल है। इस फैमिली के वालेकुम सलाम जी। शाम, ये फिल्म बनाते वक्त आपको किससे इंस्पायरिंग, किससे इंस्पायर हुए आपने? ये फिल्म किस तरह से मतलब लिखी कि ये चीज़ आनी चाहिए इस इंडस्ट्री में? किसी एक खास चीज़ से इंस्पिरेशन तो नहीं थी, बहुत सारी हैं, बहुत सी मूवीज़ हैं जो बचपन से देखते आए हैं आज तक, उनसे इंस्पिरेशन होती है, बहुत सारे किरदार होते हैं उनसे इंस्पिरेशन होती है, तो बहुत सारी चीज़ें मिल के बनी। द ट्रीटमेंट ऑफ द फिल्म इज़ वेरी वेरी रॉ, जो कि अब तक हमने हमारे कमर्शियल लेवल पे सिनेमा में नहीं देखा। सो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी न्यू फॉर द ऑडियंस टू वॉच, एंड ऑफ कोर्स वॉच आउट फॉर मी मैन, आई एम कमिंग अगेन। एंड रजिया इज मैडली इन लव विद फैसल, और वो फैसल से शादी करना चाहती है, और वो शादी करने के लिए वो क्या क्या करेगी आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। और जितने लोगों ने प्यार की शादी या लव मैरिज की है या अरेंज मैरिज भी की है फॉर दैट मैटर, दे विल रिलेट टू द फिल्म। सो कैरेक्टर में फैसल है, तो मेरा नाम भी फैसल है। अच्छा। तो कोई एक जो है वो डायलॉग आप बोलेंगे जो आप समझेंगे कि मैं वो कैरेक्टर वाला फैसल हूँ। आप वो कैरेक्टर वाला फैसल हैं। कोई भी डायलॉग बोल, कोई भी डायलॉग फिल्म का बोलूँ या वैसे ही कुछ बोल दो? आपने समझना कि मैं वो फैसल हूँ, हीरो हूँ। फैसल, बाबा मान जाएंगे ना? बाबा को मना लेंगे। रेडी स्टडी नो एक यूनिक नेम है, ये कैसे क्लिक किया आपके माइंड में? ये स्टोरी नहीं क्लिक करवाया, क्योंकि स्टोरी भी हमारी यही है कि एक चीज़ होते होते जो रह जाती है, आपको लगता है कि बस अब होने लगी है, और वो फिर रह जाती है। सारी फिल्म इसी बारे में, ये जर्नी है जिसमें अजीब मजाया रीजंस की वजह से, छोटे छोटे इश्यूज की वजह से सेंस उनकी कोई नहीं बनती। काम आपका आसान सा है, आपको है कि यार अभी हो जाएगा, और वो हो नहीं पा रहा है। तो ये थीम ये है रेडी सेट नो। रियल लाइफ में और मूवी लाइफ में आपका क्या करेक्टर है? रियल लाइफ में जी मेरा करेक्टर एक वकील का है, और मूवी में भी मेरा करेक्टर वकील का है। दोनों तरफ वकील? हाँ जी, और दोनों तरफ एक जैसा ही वकील, ऐसा ही वकील हूँ रियल लाइफ में भी। तो अपने रोल को थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, क्या मूवी में किया है? नहीं। क्यों? मेरी मर्जी। इसमें जी वकील जो है भजन आज एक नए फिल्म मेकर के लिए, जिनके कोई कनेक्शंस या जिनके साथ जिनके पास कोई ऐसी बेस नहीं है जहाँ से वो इजीली पुल ऑफ कर सकें चीज़ें, अपनी जगह आपको बनानी पड़ती है, और वो स्टेप बाय स्टेप होता है, और उसमें आपको अपनी जगह बनाने के लिए काफ़ी वक्त और एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो वो ऑब्वियसली वो सारा सफ़र यही था हमारा। अच्छा, ये आपकी पहली मूवी थी, तो क्या कोई ऐसा पॉइंट आया जब आपने बिल्कुल ही होप छोड़ दिया कि यार अब बस, अब नहीं, ये नहीं हो सकता मुझसे? अच्छा, बहुत मुश्किल सूरत हाल में आई है, लेकिन होप कभी नहीं छोड़ी है। नए लोग आजकल जो भी लोग हैं, एक चीज़ उनके लिए बड़ा, देर टेक्नोलॉजिकली एवरेज बंदा बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है कंपेयर टू माय जनरेशन, मतलब है उनको सीखने में देर नहीं लगती, चीज़ें भी ज़्यादा आसान हो गई हैं। मूवी रिलीज़ हो रही है 19 जुलाई को ऑल ओवर पाकिस्तान, तो प्लीज़ अपने करीबी सिनेमाघरों में जाएँ और फिल्म देखें प्लीज़। It's a very good film. You guys will not be disappointed. एक फिल्म बहुत बहुत मेहनत के बाद बनी है ये फिल्म, सो मैं चाहूँगी कि आप लोग एक दफ़ा इसे देखें ज़रूर। Hi everybody, this is Amna Ilyas and you guys are watching me at Public Reaction Show right now. So hurry up and subscribe and press the bell icon.